जय माँ कात्यायनी। आप सभी का अपने विशेष कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आपके साथ उपस्थित आचार्य प्रमोद मिश्रा, और आज लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसा विषय जिसके माध्यम से आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा, और अगर आप ये काम नहीं करते होंगे तो आपको कमियाँ भी महसूस होंगी कि हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए वैज्ञानिक तत्व तो जितने भी हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सारे इंसान हैं, परमात्मा ने मनुष्य बनाए हैं, जाति और धर्म लोगों ने बनाए हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी आप व्यक्ति हैं, कुछ भी हैं, लेकिन अगर उस वस्तु में शक्ति है, आपको ज्ञान हो या ना हो, आपको लाभ देगी, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। आज मैं आपको बताऊँगा चंदन के बारे में कि चंदन आप मस्तक पर क्यों लगाते हैं और क्यों लगाना चाहिए। तो ये पहले मंत्र सुन लीजिए, मैं पढ़ने वाला हूँ। चंदन श्याम महत्पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। कहते हैं चंदन श्याम महत्पूर्णम पवित्रम पापनाशनम, चंदन स्वयं में ही महत्वपूर्ण है, पवित्र है, पाप को नाश करने वाला है। आपदा हरते नित्यम, आपके जीवन के कष्टों की, कष्ट और आपदाओं को हरने वाला है। यही नहीं, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी जी आपके घर में नित्य निवास करती हैं अगर आप चंदन धारण करते हैं तो। इसलिए तो चंदन आपको अवश्य लगाना चाहिए, इसीलिए चंदन बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अगर आपको बार बार नज़र लगती है, आपके काम पर नज़र लगती है, आपके नौकरी व्यापार पर नज़र लगती है, मित्रों आप अष्टगंध का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए, आपको नज़र बिल्कुल नहीं लगेगी। लेकिन हाँ, चंदन उचित तो हो, अच्छा हो, सही शुभ मुहूर्त में बनाया गया हो, आपको आपकी पूरी रक्षा करेगा। तो इसको ध्यान दीजिए, इसको अपने जीवन में उतारिए और पालन कीजिए। मुझे दीजिए आज्ञा, मिलता हूँ आपसे अगले विषय में। नमस्कार।